तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई, पूरे एक महीने के बाद मैं तुम्हें दोबारा से यूट्यूब पर दिख रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हर हफ्ते व्लॉग लाऊंगा, पर अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं ला पाया इस महीने पूरा व्लॉग। आधे भाई मेरे जानते होंगे, आधे भाई मेरे नहीं जानते होंगे, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ आज की। भाई चल क्या रहा है ज़िंदगी में, क्यों मैं अपने व्लॉग इतने लेट डाल रहा हूँ, क्यों नहीं आ पा रहा हूँ मैं, कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब को। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि हाँ, मैं 15 अगस्त के बाद जो व्लॉग आएंगे वो सारे हर हफ्ते आने लगेंगे। मतलब मैंने सारी चीज़ें बोली थी कि उस टाइम पर चीज़ें कुछ ठीक हो रही थी, तो मैंने उस टाइम पर बोला था क्योंकि मम्मी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी हमारे बीच में नहीं है। आज से 10 दिन पहले डेथ हो गई थी उनकी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई भाई जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और मैंने सोचा कि चलो यार, आज एक वीडियो बना देते जिसमें मैं ये बता देता हूँ कि भाई मैं इतने टाइम से हूँ कहाँ। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से इतना बिजी कहाँ हूँ जो मैं व्लॉग ही नहीं ला पा रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए। देखो, मेरा बड़ा मन करता है व्लॉग डालने का, पर कुछ चीज़ ऐसी होती ना कि अगर मैं व्लॉग डालूंगा तो उसके लिए मेरे को एक अच्छा टाइम चाहिए, बहुत अच्छा टाइम चाहिए जिसमें मैं व्लॉग को शूट करूँ, एडिट करूँ, कंटेंट के लिए पैसे लाऊँ, उस कंटेंट को शूट करूँ जाकर के, फिर उसको ला कर घर पर एडिट करूँ। जितना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था ज़िंदगी में। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, घर के भी काम है, घर भी देखना है क्योंकि घर में कोई नहीं है अभी ज़्यादा। बाकी भाई देखो, यही सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से ना व्लॉग काफ़ी सारे लेट होते जा रहे थे। मतलब मैं व्लॉग मैंने काफ़ी सारे शूट करे पर एडिट करने का टाइम नहीं मिला और अपलोड करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम व्लॉग अपलोड कर ही नहीं। अभी फिलहाल मैं भाई टंकुश में एक पार्क है तो वहाँ पर था। मैंने सोचा जस्ट तुम्हें सारी चीज़ें बता देता हूँ। मौसम भी थोड़ा अच्छा अच्छा सा हो रहा था और अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज ना एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं ऐसा, कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें ना अपनी क्लियर कर देता हूँ कि मैं इतने टाइम से भाई कहाँ पर हूँ। क्योंकि बहुत सारे बंदों का क्वेश्चन ये थे कि भाई मन हट गया है तुम्हारा, मन नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का, या छोड़ दिया तुमने यूट्यूब। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे सामने से मिलके पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो बनाना छोड़ दिया क्या। बंदे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं भाई प्रमोशन कर दो। मेरे खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं भाई, 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं। एक टाइम पे रील्स पर अच्छी, मतलब मेरे जो शॉर्ट्स वीडियोज़ थी उन पर रीच काफ़ी अच्छी थी। 2 शॉर्ट वीडियो डिलीट हो गई, एक पे 50 मिलियन थे, एक पे 20-22 मिलियन हो गए थे, एक पे 14 मिलियन व्यूज थे। तो वो कंटिन्यू चल रही थी जिसकी वजह से सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बूस्ट हो रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें सही चल रही थी। फिर मतलब मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई जिसकी वजह से ब्लॉग थोड़े से बंद हो गए, लेट हो गया ना। फिर मैं कंटेंट बनाता था तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि कभी हॉस्पिटल के चक्कर, पढ़ाई भी देखनी है, घर भी देखना है, सारी चीज़ें हैं, एज भी हो रही है, तो उस हिसाब से अर्निंग सोर्स भी ढूंढने हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट होते जा रहे थे। तो मैंने फिर बीच में जब व्लॉग डालने स्टार्ट करे, जैसे ही व्लॉग डालता था भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अराउंड 1-1.5 मंथ मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मैंने व्लॉग डाले ही नहीं उस बीच बिल्कुल भी। मैं कोशिशें बहुत करता था कि कहीं ना कहीं से तुम्हें सारी चीज़ें दूँ, व्लॉग बना के दूँ, व्लॉग डाल के दूँ, कुछ भी करूँ भाई, कहीं से ना कहीं से तुम्हें व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। 15 अगस्त पे कुछ चीज़ें ठीक हुई तो मैंने सोचा कि चलो यार एक आधे व्लॉग अपलोड करते हैं। मैंने कहा उस टाइम पर चलो, तो मैंने बोला था कि मैं कंटिन्यू रहूँगा आपकी बार यूट्यूब पर, वो नहीं हो पाया क्योंकि 15 अगस्त के बाद से ना मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में ही अपना ज़्यादा टाइम दे रहा था। हॉस्पिटल, कॉलेज, पढ़ाई, घर, ये चल रहा था। लेकिन अभी मैं तुमसे कहता हूँ, वादा करता हूँ कि भाई मैं तुम्हें टाइम पर व्लॉग्स दूंगा आपकी बार, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सपोर्ट प्लीज़ कर दो। बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे, प्ले बटन का एक सपना है छोटा सा, तो वो पूरा करा दो भाई, एक प्ले बटन दिला दो। शॉर्ट व्लॉग्स, लॉन्ग व्लॉग्स, सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती रहेंगी। फूड व्लॉग्स बीच बीच में आते रहेंगे क्योंकि उसके लिए ना ज़्यादा दूर जाकर के चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब तुमसे नए नए व्लॉग के साथ मिलते हैं।